धनबाद के बरमसिया में एक नाबालिग युवक को चोरी का आरोप लगाकर बिजली के खंभे से बांधकर की जमकर पिटाई। पुलिस ने युवक को छुड़ाकर अस्पताल में कराया भर्ती। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र बरमसिया में चोरी के आरोप में 15 वर्षीय युवक को कुछ स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पहले युवक को पकड़कर खंभे से बांध दिया, फिर घंटों युवक को रॉड और डंडे से पिटाई करते रहे। सुबह पुलिस ने खंभे से बंधे युवक को छुड़ाया। दरअसल मामला धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया बाल सुधार गृह के पास का है। बीती रात करीब 2:30 बजे दुर्गापुर से आ रही अपनी माँ को स्टेशन से लाने के लिए अपने एक भाई के साथ युवक पैदल स्टेशन जा रहा था। उसी दौरान युवक को कुछ कुत्ते ने उसको और उसके भाई को दौड़ाया। उसका भाई वापस भाग गया। यश भागने के क्रम में पास के ही एक घर के गेट से टकरा गया। उस दौरान घर के सदस्य बाहर निकले और युवक को पकड़ लिया और फिर युवक पर उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए बिजली के खंभे से बांध दिया, फिर जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह इसकी सूचना धनसार पुलिस को मिली तो पुलिस युवक को छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इधर वहीं काफी देर तक जब यश स्टेशन से नहीं पहुंचा तो यश की माँ अपने भाई के घर बरमसिया पहुंची और भाई से पूछताछ करने पर पता चला कि अभी तक यश घर नहीं पहुंचा। फिर कुछ देर बाद पुलिस घर पहुंची, कहा कि आपका बेटा SNMMCH अस्पताल में भर्ती है। तब जाकर युवक ने अपनी माँ को सारी घटना बताई। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम तो जा रहे थे सर स्टेशन अपना मम्मी को लेने के लिए, तो हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को पूरा दौड़ाने लग गया, तो मेरा छोटा भाई डर के मारे भाग गया था, ठीक है ना। तो हम गेट पे जाके टकरा गिए, तो वो लोग बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद बोला रे डूम का चुदा तुम इधर पर, तो पूरा हमको मारने लगा सर, बांध के पूरा एकदम बेरहमी तरह से मारा, पाइप से रड से मारा, पाइप से मारा, डंडा से मारा। हाँ हम लोग सबको चीनते हैं। वहाँ पर अनिल राव था, गौरव राव था और सौरभ राव था। उधारे पर सबका सब लोग पांच पांच कुछ की छह गो लेडीज था और बाकी सब लड़का था, पांच छह गो लड़का लोग था। पुलिस कितने बजे आया था? पुलिस आए थे 5 बजे, तब हम बांधे हुए थे, तो पूरा बांध उनके पहले पूरा मार उड़ दिया था हमको, तो हम गिरे हुए थे तो हम उठ नहीं पा रहे थे, तो पुलिस से हमको उठा। हम तो मामा लोग का घर में थे, ट्रेन से आ रही थी, उसके बाद 4 बजे मेरा धनबाद स्टेशन में उतरी थी, तो मैं अपना बेटा को फ़ोन किए, 2 बजे एक बार फ़ोन किए, 2:30 बजे फ़ोन किए, मैंने घर से निकलो तुम स्टेशन आओ। फिर हम लोग जाते हैं बैंक में, काम उम भी करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं साफ सफाई का, तो मेरा बेटा नहीं आया। इसका इंतजार देखते देखते हम आ गए, भाई के घर आ गए वहाँ बरमसिया में। तो देखे यस नहीं है क्या, तो नानी इनकी बोली कि हम तो भेज दिए बेटा को, बेटा तो घर में आया ही नहीं। फिर पुलिस का गाड़ी आया, बोला कि आप जल्दी आइए, आपका बेटा बहुत सीरियस है PMC हॉस्पिटल में, आप जल्दी चलिए। तो बोले मेरे बेटा को हुआ तो क्या हुआ। फिर हम माँ के यहाँ पूछे तो बोला कि लड़का से पूछे तो बोल रहा है कि इसको हम जा रहे थे तो कुत्ता हमको दौड़ा दौड़ा दिया काटने के लिए, तो हम गेट से टकरा गए। तो वो लोग मुझे पकड़ लिया चोर चोर करके, डॉम ये है वो है, चोर हो तुम, ऐसे पकड़ के बेरहमी से एकदम मारा गया है, रेड उड से मारा है लोहा के रेड से। यहीं पर ही बच्चा जैसे थोड़ा आगे है ना, वहीं पर ही पकड़ के अंदर अपना घर में घुसा के मारा गया है। ये करीब 2:30 3 बजे का बात है, हाँ जब मारा है। इसे तो मैं ही बुलाई थी स्टेशन में कि तुम आओ जल्दी आओ, आ रहे थे धनबाद दुर्गापुर से आ रहे थे, मेरे पास टिकट भी है। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में, मिठाई नमकीन चाट साउथ इंडियन चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको।